अब एक और मजीद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं कि कैसे जॉइंट वेंचर में जॉइंट वेंचरी जो हैं कैसे अकाउंट्स बनाते हैं अब देखिए इसमें क्या है द इनकम स्टेटमेंट ऑफ ए लिमिटेड एंड टू एंटिटीज इन इट होल्ड्स इन्वेस्टमेंट एंड शोन बिलो फॉर दिसंबर 2020 रेवेन्यू ए बी और सी कॉस्ट क्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन फाइनेंस कॉस्ट फाइनेंशियल इनकम फाइनेंस uh, इनकम ये इन्वेस्टमेंट्स की इनकम होगी कोई प्रॉफिट बिफोर टैक्स टैक्सेशन प्रॉफिट फॉर द ईयर तो मैंने जैसे कहा ना मैंने थोड़ा सवाल को बढ़ा दिया है अब आप देखें इन्वेस्टमेंट ए लिमिटेड सेवरल ईयर्स अगो एक्वायर सेवेंटी परसेंट ऑफ द इश्यूड शेयर कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड यानी ए ने बी के सेवेंटी परसेंट शेयर ख़रीदे और ए लिमिटेड अकार्ड 50% शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड एंड एकविटी सेटअप अंडर ए कंट्रैक्चुअल अरेंजमेंट एज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन ए लिमिटेड एंड ऑफ इट्स नोट करेंगे यहाँ जो 70% शेयर आपने लिए हैं वो आपकी बन गई सब्सिडी और ये जिसमें 50% परसेंट आप लिए वो आपने कंट्रैक्चुअली वो आपका जॉइंट अरेंजमेंट्स होगा ए लिमिटेड एंड वन ऑफ इट्स अच्छा जो ये जॉइंट वेंचर किया आपने किसके साथ बिटवीन ए लिमिटेड एंड वन ऑफ इट्स सप्लायर नॉर्मली ये होता है कि सप्लायर के साथ आप अरेंज कर लेते हैं कि ठीक है जी हम आपको भी सपोर्ट करते हैं और लेट्स पुट टुगेदर दी डायरेक्टर्स ऑफ ए पॉलिसी ऑफ प्रपोर्शनिडेशन वेयरिएट एंडिटेड बाई दी की बात देखें बॉइंग इन बी During the financial year 31st December 2020, B Limited paid the full amount of interest due to 6% debenture loan of 200,000. A Limited invested 100,000 in the debenture when it was issued three years ago. यानी आपने B में B में क्या है आपने उसके debenture खरीदे होंगे और debenture पर आपको एक fixed amount of interest मिलता है annually. तो ये दो investments आपने एक C में की है और बी को आपने एज ए सब्सिडी लोन दे रखा है वह और उसने कहा कि उस पर जो इंटरेस्ट था उसने पे ऑफ कर दिया है ना ड्यूरिंग द ईयर सी लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू ए लिमिटेड फॉर ट्वेंटी थाउजेंड हाफ ऑफ द गुड्स रिमेन इन एज इन्वेंटरी ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर एंड सी लिमिटेड ग्रॉस मार्जिन ऑन सेल्स वॉस ट्वेंटी परसेंट तो देखें अब ये सवाल जो है ना थोड़ा बढ़ गया इसमें आप देखें सब्सिडी भी है जॉइंट अरेंजमेंट्स भी है फिर एडजस्टमेंट भी मैंने डाल दी कि जो स्टॉक बढ़ा हुआ है उसमें एडजस्टमेंट और एक इंटरेस्ट की जो बात आई है वो भी सिंगा गई प्रिपेयर द कंसॉलीडेटिड इनकम स्टेटमेंट ऑफ ए ग्रुप फॉर द ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी अब तीन है देखें कैसे अरेंजमेंट करना हमने रेवेन्यू को अगर देखें वर्किंग भी साथ दी हुई है मैंने कि ए का बी का और सी का फिफ्टी लेकिन उससे पहले कि जो अनरियलाइज प्रॉफिट है ट्वेंटी का वो उसमें से आपने माइनस किया तो रेवेन्यू आ गया इसी तरह कॉस्ट को देखें आप इसी तरह से आप यानी आह्ते चलते जाएँ तीनों फिगरों में से दो फिग्रें तो हम पूरी की पूरी ले रहे हैं लेकिन एक फिगर को हम फिफ्टी परसेंट कर रहे हैं क्यों कि आपका शेयर उसमें फिफ्टी परसेंट है इसी तरह फाइनेंस कॉस्ट को देखें इसमें जो सोलह और बारह है लेकिन जो इनकम है वो आप माइनस कर देंगे और ये उसका ताल्लुक सी के साथ नहीं उसके बाद जो टैक्सेशन है वो भी सिंपल है ए की बी की और जो सी है उसका फिफ्टी परसेंट का तो क्लियर कर लें कि हर आइटम में आप अपना शेयर जो फिफ्टी परसेंट है वो ले रहे हैं अच्छा अब देखिए प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया और पेरेंट एलिमिटेड का वन सिक्स है और एन का थर्टी थ्री ये थर्टी थ्री इसलिए कि आपके पास सेवेंटी परसेंट शेयर है तो थर्टी परसेंट वाले जो हैं उनको शेयर आपने देना होगा अनरियलाइज प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी दी हुई है कि जो टेन थाउजेंड था उसका ट्वेंटी परसेंट टू थाउजेंड और उसका हाफ टू द कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपने ऐड किया हुआ है वन मिलियन वन हंड्रेड थाउजेंड का ये हमने जो इनकम स्टेटमेंट बनाई है देखें आपने प्रोपोर्शनेटली हर आइटम को लेकर चले हैं और अल्टीमेटली हमने तीनों कंपनी को मिलाकर एक बैलेंस शीट बना दी एक इनकम स्टेटमेंट बना दैट्स हाउ इट इज बेसिकली थैंक यू वेरी मच